ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मेगा करप्शन स्कैंडल, ईडन इंतजामिया नैब को तलब करने के बावजूद पेश ना हुई नैब इन्वेस्टिगेशन टीम का तवील इंतजार। आपको अहम खबर से आगाह करें, ईडन हाउसिंग प्रोजेक्ट मेगा करप्शन स्कैंडल के हवाले से ईडन इंतजामिया ने को नैब ने बुलाया था और नैब के तलब करने के बावजूद भी ईडन इंतजामिया पेश ना हुई, नैब इन्वेस्टिगेशन टीम का तवील इंतजार जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग सुहेल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा, नैब में इन्वेस्टिगेशन टीम इंतजार करते रही, ईडन इंतजामिया पेश ना हुई, क्या किया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से ईडन हाउसिंग के केस मुबैना करप्शन के हवाले से ईडन इंतजामिया को जो है उनको बुलाया हुआ था और नैब की जानिब से उन्हें समन जारी किए गए थे और अहकाम जारी किए गए थे कि वो नैब के अंदर आज 10 बजे तक जो है पेश हों। फिर भी नैब की जानिब से उनका जो है वो 4 बजे से जाए तक इंतजार किया गया और उसके अंदर नैब की जानिब से ये कहा गया कि अगर वो आते हैं तो उनकी तहकीकत का हिस्सा बनाया जाए और उनसे तहकीकत की जाए कि आवाम की जो 2000 से जायद शिकायात हैं उस हवाले से कोई हिकमत अमली तैयार की जाए। जबकि वो आज पेश नहीं हुए, अब नैब की जानिब से एक नई हिकमत अमली तैयार की गई और नैब के आर्डिनेंस के तहत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि वो पेश क्यों नहीं हुए। इस हवाले से आगे हिकमत अमली अपनाते हुए उनको जो है दोबारा की जो तलब किया जाएगा। यह जरा ये भी कन्फर्म करते हैं कि अगर वो इसी तरह से पेश नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी का भी जी बिल्कुल तफ्तीश की जाएगी कि वो पेश क्यों नहीं हुए। सुहेल अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।